Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. तो भाई हम लोग जा रहे हैं कॉन्सर्ट में. आसिम अज़हर का कॉन्सर्ट है और सबसे अच्छी बात है वहाँ पर कैफी खलील भी आएगा. तो हम जा रहे हैं कहानी सुनो सुनने. तो चलते हैं कॉन्सर्ट में. मेरे साथ लारिफ भी है, लारिफ आई भी है और तहजीब तो एज यूजुअल है ही हमारे साथ. ये देखो, हाय करो. अब बाकी मैं लारिफ को भी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में. और मेरा भाई भी मेरे साथ जा रहा है और एक और है जो हमें आगे वाले रास्ते से मिलेंगे, मतलब आधे रास्ते से मैं आपको उनको दिखाऊंगी. तो स्टे ट्यून्ड गाइस. तो देखिए मैं किससे मिली हूँ. हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैंने भी अपना व्लॉग किया. अच्छा, मुझे लगा तुम मेरा व्लॉग बनाओगे. वालेकुम सलाम, कैसी हैं लारिफ? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं. बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी के लिए. तो तुम जब आए थे इसकी शादी में तो तुम स्टेज पे नहीं. यार पता नहीं मैं क्यों इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ आजकल. मतलब मैंने किसी से बात भी नहीं किया. पता है दो तीन लोगों ने मुझे अदर से मैसेजेस किए कि आप आर यू इंट्रोवर्ट पर्सन, लाइक यू वर वेरी शाई और क्वाइट इन ऑल द वीडियोस. तो मैंने कहा यार मतलब ऐसा नहीं, ओके भाई, ये ड्राइव कर रहे हैं और मैं अपना व्लॉग ऑन रखूंगी क्योंकि मेरा व्लॉग तो ज्यादा चलेगा ना, मेरे ज्यादा व्यूज आएंगे. इन गरीबों के व्यूज नहीं आते. नहीं है यार, मैं बस गाड़ी में रहता हूँ कि टाइम से पहुंच जाए, मैं लेट ना हो ताकि तुम लोग उड़ा लिया. अच्छा मेरी बात सुन लो पहले. अच्छा हाँ, तो फिर बातें करते. हाँ बोलो. नहीं अब मैं रिपीट नहीं करूँगा. अच्छा कब? ओके, मैं पूछ भी नहीं रही दोबारा. मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा था कि तुम लोग जल्दी, मतलब लेट पहुँच जाओ. जल्दी तुम्हारा सेंटेंस बना ले पूरा. जल्दी पहुंच नहीं, जल्दी ना पहुंचो, लेट पहुंच जाओ, इट्स फाइन. हाँ भाई, और वैसे भी कॉन्सर्ट देर से ही स्टार्ट होते हैं. ये लोग ओवर एक्साइटेड हो गए. बाबा का रोड है, अंदर भी खोलो. वेलकम टू कंटेनमेंट फोर्ट कुरंगी. पीछे बढ़ा दिया. गाइस मैं पहली बार कुरंगी में आया हूँ. पहले मैंने सिर्फ सुना था, आज मैं कुरंगी में आ भी हूँ. मैं कभी भी नहीं आया वैसे पहले. आगे तीन लोग हम तो भाई. चलो भाई लारिफ को उसी गाड़ी में बैठा दो. लारिफ को वहीं जा. आगे तो आगे दो लोग हैं. दो तो वहीं करेंगे. पहले बोल आई हूं ना मैं, इतनी दफा आपको याद नहीं है. बोल यहीं पर है और बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जाते हैं तो बोल आ जाता है. हमारी फ्यूचर स्टडी की क्लास थी ना, तो हम लोग यही पढ़े थे कि 2050 में उड़ने वाली गाड़ियां आ जाएंगी. लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कराची में तो तारों में नहीं फंस जाएंगी. तार हट जाएंगे तब तक. अच्छा जा ही नहीं रहे आके. हम लोग पत्नी कहा बहन, ये यहां से ले लो, यहां से वो आने वाला है. मरना नाले में जाना, यही बातें हो रही है. ये इतना बड़ा ट्रैक्टर लेके निकले की मैं 10 बजे की बात कर मैंने इनका. तो ये मेरी वाली बातें करनी शुरू कर दी तुमने. मैं भी यही कहता हूँ, ये निकले की इनको 12 बजे के बाद जाना चाहिए. टाइम क्या हो रहा है देखो? 9:30 हो रहे. इसको बोला अंदर जाए. 9:42 हो रहे. देखते हैं क्या होता है. पेशावर में तो इतना स्ट्रिक्ट लॉ है कि पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में भी. हाँ. कि अगर ये बड़े ट्रक जाते हैं तो फिर उनका चालान होता है. लेकिन कराची में तो भाई, कराची में भी वो 100 रुपए देगा वो हमारा मान जाएंगे. मैं तो 50-50 रुपए भी दिए. मैंने लाइसेंस भी बनवाया, एक साथ से गाड़ी चला.
मेरे अबावा से बात कर रहे हैं। कॉल कर ली, लंबी हो गई थी लेकिन मोटी। हाँ, लेकिन जाने दिया था। पैसे नहीं दिए थे, पैसे नहीं दिए थे, लाइसेंस नहीं था ना, कुछ भी नहीं था तुम्हारा, कुछ भी नहीं था, एनआईसी था, एनआईसी था, लेकिन नहीं, एनआईसी भी नहीं था। मुझे किसी ने बोला था गाड़ी में ही कि एनआईसी नहीं निकालना। नहीं नहीं, एनआईसी भी नहीं था तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास जो भी था वो आर्टिफिशियल था। वो याद है जो मेरी अम्मा कह रही है, क्योंकि तकरीबन पता नहीं कोई 12 बजे थे, क्योंकि मेरे अब्बू 1 बजे तक जाते हैं, वही गाड़ी लाया था। तो अम्मा ने पहले 11 बजे कॉल की, कब तक आओगे? मैं कह रहा हूँ मैं 11:30 तक आ जाऊंगा। फिर मैंने 11:30 बजे फिक्स कर, 11:30 बजे कॉल की, कब आओगे? मैंने कहा 12 बजे तक बस पहुंचूंगा। 1 बज गया, पकड़ लिए, हैदराबाद गए हुए क्या? ये कौन सा डीएचए हो गया यार, मुझे आके जो कुत्ते वाली पड़ी थी ना, मतलब उस वक्त नए नए निकले थे, अब्बा की गाड़ी लेके निकले, और फिर उसके बाद कभी नहीं निकला। तुम लोग के लिए तो कभी भी नहीं निकला। हाँ, बहुत जलील हो गए, 2 बज गए थे यार। अल्बो अल्बो, हाय अनंत। हेलो अनंत, जी क्या कर रहे हो? जलील आ गया और हम लोग यहीं पर है, जल्दी 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 नहीं करो, ये गाना निकल जाएगा पूरा यार, इसे बोलो दोबारा जाए, ये थोड़ी होता है। तुम चले आओ, क्या डेट लग रही है इधर? तो भाई हमने जिसके लिए आए थे वो मिस कर दिया है, और बस हम लोग जा रहे हैं। हाँ, अनंत को अपने साथ फाइनली हम लोग एंटर हो रहे हैं, और हमने जिसके लिए आए थे वो मिस कर दिया है, तो फायदा नहीं है हम लोग अब जाने का। हुआ है कि हम लोग आए हैं जिस बंदे के लिए आए हैं वो गाना गा रहा है, हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लेट हो, चलो यहाँ से। अब ये कौन? अपने अपने पास, अपने हैंड में रखो, यहीं पास है ये। यार उन्होंने मुझे कहा था बहुत मोटी है वीआईपी अली, वीआईपी एक और, ये हम सारे वीआईपी हैं। चलो यार, अलवा आओ, मतलब वीआईपीओ की भी इज्जत नहीं है यार, वीआईपी नहीं होता। और अब मुझे ऐसा करना है यार, ही सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइस। तो भाई हमारे साथ है द वन एंड ओनली डकी भाई। डकी भाई कहते हैं आप? कभी बिजी होते हैं, अभी यहाँ पे बिजी हो गया तो मैं एडिट नहीं कर पाया, शाम को आ गया था। मैंने ब्लॉगिंग वगैरह शुरू की है। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे आप नई नई ब्लॉगर हो? जी, हुआ फॉलो करके चैनल में जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ बहुत नई नई ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है, लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इनके चैनल के लिंक बांटने। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच जगी भाई। मेरे को चाहिए। एक और मैं सुन रहा हूँ कि आजकल थोड़ा फेमस भी जा रहा है, कुछ लोगों को शायद गुस्सा भी करें। नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गए, बहुत अफसोस हो रहा है।
कर परफॉर्म करूंगा। हम दुनिया में कहीं भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो बात मैंने शेयर की है ना वो कहीं नहीं है। She's ready to have a good night. Make some noise right now. भाई फाइनली कॉन्सर्ट खत्म हो चुका है, बहुत अमेजिंग कॉन्सर्ट था, बहुत आजा आसिम अदर भाई लिट छा गया एनर्जी। एक अफसोस रहेगा कैसे तो हम नहीं सुन सकते, लेकिन हमने पिक्चर ले ली कैफी के साथ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है। कॉन्सर्ट फाइनली खत्म हो चुका है, हम लोग अब अपनी गाड़ी अनस के पेपर तो अभी खत्म हुए, तो मेरे मिड खत्म हुए, फाइनल भी हुए। हाँ, तो वो हमें ट्रीट दे रहा है। ये कहाँ लेके जा रहा है? अच्छा नहीं पता क्या होता है यार, देखो कराची में सर्दी हो रही है तो तुम मेहनत मत करो इस चीज के। भाई अनस जहाँ हमें लेके जा रहे हैं वहाँ जाके हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं या फिर यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है? अगर आपको आगे की फुटेज देखने को मिली समझिएगा हम गए थे, अगर नहीं मिली तो बाय बाय। तो आ चुके हैं कहाँ पर, मैकडॉनल्ड आ चुके हैं और अब अनस हमें ट्रीट दे रहा है। ये मैकडॉनल्ड में जाके सबसे पहले तो मैं लेंस उतारूंगी अपने, मेरे लेंस बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बॉटल गाय मेरी बॉटल अब यहाँ पर आप तुम्हारी हुई थी, याद है मुझे, याद है मुझे ना, रिमेम्बर द शीशा? यस आई रिमेम्बर। सो दिस इज माय ओओटीडी। अच्छा, एंड दिस इज माय ओओटीडी। टाडा, अच्छी लगी माय ओओटीडी। टाडा, एंड दिस इज लारे ओओटीडी। अच्छा लगा, मत भी चला।